पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक मंदी के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की बुधवार को चंबा मुख्यालय से शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार हल्ला बोला। तदुपरांत कांग्रेसी नेताओं ने डीसी विवेक भाटिया के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य चेक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इसमें केंद्र सरकार के जो जनविरोधी फैसले हैं उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन विरोध शुरू हुआ है और उसी के चलते आज हिमाचल प्रदेश में चंबा से शुरुआत हुई है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता आशा कुमारी जी जो कि पंजाब की प्रभारी हैं और साथ में ठाकुर सिंह पटवारी जी, पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह पठानिया जी पूर्व में विधायक और भारद्वाज साहब पूर्व में विधायक और हमारे जिला के अध्यक्ष नीरज जैन सहित हमने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हमने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मंदी के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे प्रदेश सरकार के जो इश्यूज टेकअप होने चाहिए थे सेंटर के साथ उनमें नाकाम होने के चलते जो है हमने आज अपने यहाँ पे बात रखी है। हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से धर्मशाला आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पे 60,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। हर महीने जयराम सरकार 1,000 करोड़ का कर्जा ले रही है। हमारे समय में कहते थे कि घी पी के जो है शासन चला रहे हैं, तो अब ये बता दें कि ये क्या पी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ये कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार होगी तो कर्जा मुक्त होगी, तो लेकिन कर्जा तो लगातार लिया जा रहा है और इस ढंग से जब तक जयराम जी का शासन समाप्त होगा हिमाचल प्रदेश 1,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे में आ जाएगा। जब तक इनका शासन जो है ख़त्म होगा, जिस बेरहमी से ये कर्जे ले रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे की लिस्ट जारी कर दी। गडकरी जी यहाँ पे आए थे और ये कहा था कि ज़मीनों का अधिग्रहण जो है 4 गुना रेट पर किया जाएगा। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़मीनें अधिग्रहण करने के लिए पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए हमारे पास जो है कोई राशि नहीं है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इनकार कर दिया कि हम हिमाचल प्रदेश को कोई फंडिंग नहीं कर सकते। तो ये 65,000 करोड़ का जो आपने हिमाचल की जनता के साथ ब्रीच किया है, जो फर्जीवाड़ा किया है, जो धोखाधड़ी की है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से ब्यूरो प्रभारी दीपक शर्मा की रिपोर्ट।